आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के झाझरा हाई स्कूल में। लालू प्रसाद यादव जी आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा के झाझरा हाई स्कूल ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों को भी जनता के बीच रखने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में महंगाई पर बोलते हुए जनता से पूछा कि जिस प्रकार महंगाई देश में बढ़ रही है, 70 साल में जो नहीं हुआ वह 7 साल में हुआ है। सरसों का तेल हो या पेट्रोल डीजल, इन सभी का दाम आसमान छूता जा रहा है और वर्तमान केंद्र या राज्य सरकार के लिए कोई समस्या ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान की सड़क को देखिए और प्रत्येक साल इस सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार खुली चुनौती भी दिया था कि आए मेरे साथ कुशेश्वर स्थान का दौरा सड़क के माध्यम से करें, फिर यहाँ की वर्तमान स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन 30 तारीख को भाई सब लोग होशियार रहिएगा। बेईमानों से हमारा पलड़ा है, बेईमानों से लड़ाई है। चाहेगा कुछ लोग प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है बेईमानी करने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग होशियार रहिएगा, चौकन्ने में रहिएगा। जैसे मोबाइल फोन इधर ऑन किए हैं, अगर कोई प्रशासन में कोई बेईमानी करना चाहे तो तुरंत मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देगा। बताइए बेईमानी चले दीजिएगा, आपका वोट कलेक्शन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मौत पर होता सुबह शुरू होते हैं ना मशीन में बैठाएगा तो समझे। और हम आप सब लोगों से वादा करते हैं कि सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे, सम्मान देंगे और सुरक्षा देंगे। इतना महंगा हो गया हर चीज, इतना महंगा हो गया। बीजेपी वाला के नीतीश जी को पहले महंगाई ढाई में जरा थी, लोग गाना गाता था कि महंगाई ढाई खाई जात है गाता था। अब महंगाई इंडिया के ढाई नहीं हो गई है, महंगाई की महबूबा हो गई है। पहले चलना मुश्किल है, सबको झोंक दिया गया, पूरा मंत्री सब समाज जाति को हमें सम्मान
सेल्फी लोगे बाद में भाई क्या है छटपटी लगा हुआ है आप नहीं देख रहा हो ना ऐसे बार बार डिस्टर्ब हो रहा है काम करें डिस्टर्ब होता है सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग जरा जरा करके मछली मार्केट नोटबंदी का जो हुआ इस देश में आपको स्वीकार हुआ नहीं है। 1 लाख लोग मरे हर हाल में कोरोना के होने से, कोरोना से 1 लाख आने वाले हैं हर दिन। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता नहीं कहने की कि तैयार है अस्पताल में नहीं, उधर जो अस्पताल है वो लगा सारा अस्पताल ऐसा है कि वो तो जज आप करेंगे और जनता तो तैयार है। कहने को ये उपचुनाव है मगर मेरे लिए खास चुनाव है। खास चुनाव इस वजह से भी है कि इस दोनों सीटों पर हार होने के बाद एनडीए गई इसका मैसेज यूपी में भी जाएगा, पंजाब में भी जाएगा, दूसरे जगह भी जाएगा। तो जो अभी जनता का रुझान है यहाँ और तारापुर, तो इंशाल्लाह जीतना चाहिए। जी हालांकि व्यक्तिगत रूप से हम जिसमें मैं भी हूँ उनको मना कर रहा था उनके स्वास्थ्य के वजह से, मगर जो जनता के बीच रहने वाला आदमी है वो इतने दिनों के बाद जनता के बीच में आने से उन्हें खुशी हुई। जब हम लोग मना करते थे तो कहते थे कि ये हमारा दुश्मन है, समझा कि नहीं, हमको जनता के बीच जाने नहीं देना चाह रहा। मगर मुझे भी प्रसन्नता हुई कि अपने जमात के समक्ष और गरीब गुरबा को एक जमाने के बाद देखकर उनका भी जो है दिल गदगद हो गया। लालू प्रसाद यादव जी आज आए हैं, कई सालों से सभा को संबोधित किए हैं, क्या उम्मीदें हैं? यहाँ उम्मीद है कि यहाँ गारंटी है, उम्मीद नहीं है। यहाँ जो मतदाता मालिक है वो हम लोगों से आगे है, जो वोटर है वो हमारा इंतजार में नहीं है, जो वर्कर है वो हमारा वर्कर है, कोई नेता के इंतजार में नहीं घूम रहा है। बिना खाए बिना पिए गांव-गांव और सभी जात धर्म का लोग, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो अकलियत हो या सवर्ण ऊंची जात के लोग सूझबूझ वाले हों, इस बार ये अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से खरीद फरोख्त करें जो पहले करते रहे हैं। लेकिन जो खरीद फरोख्त वाला जो समझते थे जिसको मुसहर को या मल्लाह को या खतबे को या छोटी जातियां गरीब लोगों को, वो इस बार सजग गया है। और ये अगर कितनों नाजायज करेंगे, कितनों लाभ बदमाशी करेंगे, कितनों अपराध जो 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 गलत काम करके चाहेंगे, ये जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें लालू यादव ने ऐलान किया है और तेजस्वी जी ने भी बात कहा है कि जो है फोटो खींच करके अब वायरल करो, प्रशासन यहाँ सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से बार बार कहते रहे कि ये गौतम कुशवाहा जो यहाँ पिछले 2.5 साल से है और आरएसएस का एजेंट बन के काम कर रहा है उसको हटाओ। दो बार जिला के कमेटी के मीटिंगों में मैं इसके सदस्यता को रखा कि गौतम कुशवाहा को हटाने के लिए। परसों एक बयान दिए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव
मैं एक बात कहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ये पुरानी हमारे यहाँ की कहावत है। कौन क्या बकता है और आप हमको उसको बुलाया जा रहा है, आपको खुद समझिए। जद्या देखिए, जनता का सैलाब देखिए, ये बयार बह रहा है। 77 में 95 में जो बयार था सेम वही बयार है। कम पड़ा कि जगह नहीं थी, यहाँ पर आदमी आधा से ज़्यादा लोग गांव से बाहर थे, लोग दीवालों पर, छतों पर, घरों पर, चारों तरफ पर थे, ये स्थिति हो गई। अब इतना गिनती हम कहाँ से बतावे, जो हमारे यहाँ अगल बगल के जो विधायक हमारे दल के हैं या गठबंधन के हैं वो लोग आए थे, CPI, CPM, माले, RJD, मतलब सब लोग थे उसमें, किसी के बंगाल से भी एक आए थे। ये इसमें कोई कमी कसर नहीं है। एक बात नीतीश कुमार कहते हैं, मैं इस इलाके के जनता को बस कह के जाता हूँ कि अगर बांध बंध गया, अगर आपका जो कह रहा है कि हम बांध बांधेंगे, ये 4-5 नदियाँ हैं तो ये अभी 6 महीना पानी रहता है, 12 महीना बाढ़ के पानी में डूबना पड़ेगा इस इलाका को। मैं उनको आज भी मना करता हूँ नीतीश जी को कि आप नीतीश कुमार ये बांध बांधना बंद करिए, नहीं तो इस इलाके के लोगों को जो आज की स्थिति है, खेत जोतने का नवंबर का महीना आ गया उसमें अभी तक 4-5 फीट पानी है, उसको कोई खाने का वही नहीं होगा, ये मोहताजी होगी। और ये इलाका को भूखमरी में डुबाइए मत, मारिए मत, यहाँ से पलायन के लिए मजबूर मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चुनाव अपनी जगह पर है, जीतना हारना पार्टी का कैंडिडेट का है, जनता जिसको चाहती है, जिसको मन करता है वह वोटर को उसको वोट देता है। आप ऐसा इसके साथ अन्याय अनर्थ नहीं करिए। एक सड़क नहीं है, एक स्कूल अस्पताल यहाँ नहीं चलता है, यहाँ की दुर्दशा है, दशा दुर्दशा को आप समझिए और यहाँ की स्थिति को रहम कर। ये जीत का सेहरा तो आप देखे नहीं क्या? जो जन सैलाब था, लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं थी, और सिर्फ मैदान ही नहीं, मैदान के बाहर भी और जितने भी छत है तमाम चीघों पर, यहाँ तक के भी पेड़ पौधों पर भी लोग जो है लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले, लालू प्रसाद यादव पर विश्वास करने वाले सारे लोग आज अब किस तरीका थे, यह आज का जो जमघट ये साबित कर दिया कि निश्चित रूप से गणेश भारती राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, लालटेन छाप का उम्मीदवार निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। यानी लालू जी ने जो कल कहा था कि नीतीश कुमार का इस बार विसर्जन होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस जनसैलाब से दिख रही है। वो तो निश्चित रूप से, ये तो निश्चित है, जब गणेश भारती ऐसे लोग जो है कि जीतेंगे और अरुण शाह ऐसे लोग तारापुर से जब चुनाव जीतेंगे तो ये नीतीश कुमार जी का विसर्जन है तो नहीं क्या है? लेकिन विसर्जन मैंने हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने विसर्जन कह कर करके ये साबित कर दिया है कि दोनों सीट नीतीश कुमार जी का उनके पाले से निकल रहा है। शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री और कुशेश्वर स्थान प्रभारी। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा से।